आज इस टॉपिक के ऊपर मेरी आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन होगी, वो है बहरिया ऑर्चर्ड। फेज वन के अंदर तमाम तर इम्यूनिटीज और फैसिलिटीज मौजूद हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, पार्क्स कह लीजिए, मेडिकल सोसाइटीज के बारे में बात कर लीजिए, मेडिकल सेंटर्स के बारे में बात की जाए, वही प्लॉट्स इस वक्त माशाल्लाह 25 से 30 से 35 लाख तक के राइज में है। Titanium Group. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. My name is Hira Osama and I'm from Titanium Group. जैसे कि आप सब जानते हैं कि टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में अपडेट्स एंड डिटेल्स मिलती रहती हैं, और इसी प्लेटफॉर्म से आपकी तमाम तर क्यूरीज को भी बहुत अच्छे तरीके से इंटरटेन किया जाता है। इसी फ्रेमवर्क के अंदर आज जिस टॉपिक के ऊपर मेरी आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन होगी, वो है बहरिया ऑर्चर्ड। आप सब जानते हैं कि बहरिया टाउन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और बहरिया टाउन की जो सक्सेस स्टोरी है वो अराउंड द ग्लोब तकरीबन हर पाकिस्तानी जानता है। इसी सिनेरियो में अब हम बहरिया टाउन का डिफरेंट सेकंड प्रोजेक्ट बहरिया ऑर्चर्ड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बहरिया ऑर्चर्ड की अगर मैं लोकेशन के बारे में बात करूँ तो ये मेन ड्राइविंग रोड के ऊपर वाकया है, और अगर हम इससे थोड़ा सा अंदर चलिए बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर, हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बहरिया ऑर्चर्ड के तकरीबन 4 फेसेज हैं इस वक्त, फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री एंड फेज़ फोर। अगर फेज़ वन के बारे में बात की जाए तो फेज़ वन के अंदर फर्दर 4 ब्लॉक्स हैं, लाइक ईस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न एंड सेंट्रल। ये कम्प्लीटली LDA अप्रूव्ड फेज़ हैं इनका, और इसके अंदर जो प्लॉट्स की कैटेगरी है वो 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की मौजूद है। फेज़ वन क्योंकि इस वक्त 85 to 90% डिवेलप और मेच्योर्ड हो चुका हुआ है, तो इस वक्त इसके अंदर जो प्राइसेज हैं वो काफ़ी मेच्योर लेवल के ऊपर सस्टेन कर चुकी हुई हैं। अब अगर हम इसके अंदर मौजूद इम्यूनिटीज़ या फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो फेज़ वन के अंदर तमाम तर इम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, पार्क्स कह लीजिए, मेडिकल सोसाइटीज़ के बारे में बात कर लीजिए, मेडिकल सेंटर्स के बारे में बात की जाए, या अगर हम इसके अलावा इसमें कहें कि शॉपिंग मार्ट्स वगैरह मौजूद हैं, तो इसके अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ फेज़ वन के अंदर इस वक्त मौजूद है। मैं जो फेज़ वन है वो रेकमेंड करूँगी अपने रेजिडेंशियल पर्पज़ रखने वाले क्लाइंट्स को, क्योंकि वैसे ही ये 85% क्योंकि मेच्योर हो चुका हुआ है, तो अब इसके अंदर जितनी भी गुंजाइश बाकी है वो रेजिडेंट्स के लिए या रेजिडेंशियल पर्पज़ रखने वाले क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर फेज़ टू के बारे में बात की जाए तो फेज़ टू के अंदर तकरीबन 9 ब्लॉक्स आते हैं ए से एच तक। फेज़ टू के अंदर आपको जो है वो 8 मरला, 5 मरला और 8 मरला की कैटेगरी मिल जाएगी, और इसके अंदर जो है आप कह सकते हैं कि जो 5 मरला है वो तकरीबन आपको 25 लाख से आप कह सकते हैं 32 लाख के सराउंडिंग में मिल जाता है, और 8 मरला जो है वो तकरीबन आपको इसी तरह 32 से 50, 55 की ब्रैकेट में मिलता है। अगर मैं फेज़ टू के अंदर जो है वो अट्रैक्शंस की बात करूँ या जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस हैं, तो इसके अंदर जो बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ टू के अंदर जो सी ब्लॉक है, इसी के अंदर बहरिया का अपना ऑफिस मौजूद है जिसमें तमाम तरह ऑफिशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। अगर एच ब्लॉक के अंदर जाइए तो एच ब्लॉक के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि एक कंट्री क्लब है, कह नहीं सकते, कंफर्म कंट्री क्लब बन चुका हुआ है। इसके अलावा 18 कैनाल के ऊपर इसके अंदर मॉन्यूमेंट पार्क है, और तकरीबन 35 कैनाल के ऊपर इसके अंदर जू है। तो इसके अंदर जो प्राइसेस हैं वो क्योंकि नॉर्मल हैं, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की चांसेस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर बहरिया ऑर्चर्ड में फेज़ थ्री की बात की जाए तो फेज़ थ्री के अंदर जो कटिंग्स हैं प्लॉट की वो 8 मरला की हैं, लाइक 8 मरला ही कमर्शियल है और 8 मरला ही रेजिडेंशियल प्रोवाइड किया गया है। अब हम इस वक्त के सबसे हॉट सेलिंग कह सकते हैं या जो मोस्ट अट्रैक्टिव फेज़ जा रहा है इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड का, फेज़ फोर, फेज़ फोर के बारे में बात करते हैं। फेज़ फोर के अंदर जो है वो हमारे पास 6 ब्लॉक हैं, G1, G2, G3, G4, G5 एंड G6, लाइक G1 से G6 तक। तो G1 और G2 के अंदर जो है हमारे पास 1 कैनाल की कैटेगरी है, और अगर हम बात करें इसके रेस्ट ऑफ ब्लॉक्स की, लाइक 3, 4, 5 एंड 6, इसके अंदर आपको 5 और 8 मरला की कैटेगरी प्लॉट्स की मिल जाएगी। अब अगर थोड़ा सा फेज़ फोर की हम ओवरव्यू की बात करें, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो बिफ़ोर कोविड और ड्यूरिंग द कोविड फेज़ फोर के अंदर जो प्लॉट्स की प्राइसेस थी वो नहायत ही कम हो गई थी। लाइक एक प्लॉट के ऊपर की जो प्राइस थी वो 25 to 30 लाख माइनस में चली गई थी,
और उस वक्त के जो हमारे क्लाइंट्स थे जिनकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी उनके लिए ये एक लम्हा फिक्रिया बन गया था। लेकिन क्योंकि बैगेट टाउन ने हमेशा अपने हर नुकसान को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो पूरा किया है, बल्कि फ़ायदा ही पहुंचाया है अपने क्लाइंट्स को, तो अब की जो सूरत हाल है पिछले कुछ महीनों से लेके अब तक और आने वाले दिनों में, इस वक्त फेज़ फोर के अंदर जो प्लॉट्स हैं वही प्लॉट्स जो कि साल डेढ़ साल पहले या उससे थोड़ा सा पीछे -25 लाख जा रहे थे, वही प्लॉट्स इस वक्त माशाल्लाह 25 से 30 से 35 लाख तक के राइज में हैं। यानी कि वही क्लाइंट जो उस वक्त परेशान थे वो अभी के हालात को देखकर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड और खुश हैं, और इनकी उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उनको बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस ने एकदम से इतना बड़ा जंप लिया है कि ये जो हमारा फेज़ फोर है उसने तमाम की तमाम जो अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ खींच ली है। अब अगर फेज़ फोर के अंदर हम मज़ीद अट्रैक्टिव पॉइंट्स की बात करें तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी अपडेट है, वो अपडेट ये है कि इसके जो ब्लॉक G1 था और इसके अलावा G5 एंड G6, इसके अंदर हमारे पास मौजूद था एक नाइट सफारी पार्क, इसके अलावा रोज़ गार्डन, और इसके अलावा जो था वो सऊदी जर्मन हॉस्पिटल था। सऊदी जर्मन हॉस्पिटल जो है वो इस टाइम पर सऊदी अरब और जर्मनी की जो है ना वो एक कोलाब्रेशन के साथ यहाँ पर बनाया गया था, और इसकी एक चेन जो है वो सऊदी अरब में अभी भी सक्सेसफुली रन हो रही है। ये जो तीन बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, यानी कि रोज़ गार्डन, आपका नाइट सफारी पार्क और ये अपना सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, इन तीनों को मैनेजमेंट ने डिमोलिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, और इसकी जितनी भी लैंड एक्वायर्ड है हमारे पास बेरी ऑर्चर्ड के अंदर फेज़ फोर के अंदर, इस तमाम लैंड को इन्होंने 5 मरला और 8 मरला की प्लॉट की जो है ना वो कैटेगरी में शामिल कर दिया। ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है कि यहाँ पर फेज़ फोर के अंदर जो है ना मज़ीद लैंड या मज़ीद जो कैटेगरी है प्लॉट्स की वो मुतारिफ़ कर दी गई है, ना सिर्फ प्लॉट बल्कि इसके अंदर जो है ना 5 मरला और 8 मरला के जो है ना वो फर्निश पोर्शंस मिलेंगे, आपको घर मिलेंगे, आपको विलाज वगैरह भी यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मौजूद मॉल्स की, तो बहरिया के अंदर बहरिया ऑर्चर्ड मॉल जो बन रहा है वो भी बहुत एक वर्सेटाइल प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इसमें जो टाइम स्क्वायर मॉल बन रहा है एक वर्सेटैलिटी के साथ, उसको ये एज हासिल है कि उसे 24/7 कंस्ट्रक्शन की जो है ना वो एक आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल परमिट मिला हुआ है। 24 घंटे 7 दिन पूरे हफ्ते के यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो रुकती नहीं है, वो मुस्तकिल और कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर चल रही है, जो इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि ये जो प्रोजेक्ट है टाइम स्क्वायर, ये अपनी वर्सेटैलिटी के साथ इस प्रोजेक्ट को जो है इसके जो बिल्डर्स हैं वो बहुत ही क्वालिटी टाइम के अंदर जो है वो डिलीवर कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त फेज़ फोर के अंदर मैंने आपके साथ बयान की हैं या आपके साथ शेयर की हैं, वो तमाम फेज़ फोर की जो इस वक्त की करंट स्टेटस है उसको बहुत अपर लेवल के ऊपर ले जाता है, और जो अट्रैक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। तो ये था एक ब्रीफ आप कह सकते हैं ओवरव्यू अबाउट द बहरिया ऑर्चिड और उसके अंदर मौजूद 4 फेसेस का। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी हो बहरिया ऑर्चिड से रिलेटेड, बहरिया टाउन से रिलेटेड, या पूरे पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो, तो स्क्रीन पर नंबर्स हमारे मौजूद हैं, मेरे सेम नंबर जो हैं वो व्हाट्सएप और IMO के ऊपर भी मौजूद हैं हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बहरिया ऑर्चिड। तो किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट टाइटेनियम ग्रुप, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। दिस इज़ हिरा ओसामा साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।